Hi there guys, welcome back to my channel. So guess what? आज के व्लॉग में मेरे पास ये दोनों हैं, because आज इस छोटी की बर्थडे, and so today's vlog is going to be all about us. There's that. So I hope that you guys enjoy that. Sorry. Let's get on with the vlog. So birthday girl, आप क्या कर रही थी आज पूरा दिन? And then? सुबह के 5 बजे से उठ के यू वर जस्ट गेटिंग रेडी, नथिंग एल्स दैट यू वर डूइंग? अच्छा, यू वेंट टू शॉप्स ऑल्सो? अच्छा, सो यू वेंट बर्थडे क्लोथ शॉपिंग. ओह, ये टियारा का आइडिया किसका था? का था, डैडी का था? डैडी का था. नाइस. देखो, अगर हम स्क्रैबल खेलते हैं तो स्क्रैबल में ये होता है, मैं बताती हूँ. ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड है स्क्रैबल का, दिस वन, ठीक है. इसमें क्या होता है कि हमें कुछ लेटर्स मिले हुए होते हैं सबको, और हमने वर्ड्स बनाने होते हैं, और उन वर्ड्स से हमें पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है. मोनोपोली, इट्स दिस साइड. इट्स लाइक लूडो, कि आप गोटियाँ चलते हो और बारी आपकी होती है नंबर्स पे एंड ऑल दैट. मगर आप यहाँ पे हाउसेस खरीदते हो, पैसे लेते हो, पैसे देते हो, प्रॉपर्टीज बनाते हो एंड स्टफ लाइक दैट. सो नाउ डिसाइड. This is a new game, and this is like, this is also a new game for you, but you decide which one do you want to play. I think this one, na? Yeah. She wants to play Monopoly, and Aisha was not in the mood for Monopoly. She was like, "Aap hi bahut lambi hoti hai. Jitna ho jayega utna khel lenge na. No problem in that." ठीक है आमना. जब हमारे पास आई थी ना, full sleepy थी, क्योंकि सैरी के time से जागी हुई थी ये. अब इसको मैंने कॉफी पिलाई है ताकि थोड़े से इसको होश आए, बिकॉज आई वांटेड टू प्ले विद हर. डिडंट वी बोथ? या, वी बोथ वांटेड टू प्ले विद हर. सो अब आराम से कम्फी हो जाओ और आ जाओ, लेट्स प्ले. अच्छा, सो मुझसे किसी ने पूछा था कि बताएं मोनोपोली कैसे खेलते हैं. सबसे पहले तो मोनोपोली में पैसे होते हैं, राइट? तो सबसे पहले एक एक बंदे को 1500 डिवाइड होते हैं. यू कैन जस्ट गूगल दैट बिट, के कितने कितने नोट्स कितने को मिलते हैं, एंड देन यू कैन ईजिली डू दैट. उसके बाद ये होता है दैट यू हैव property cards and you have community chests and all, which I cannot see anywhere over here. Aisha, where are they? Here. Thank God. So yeah, you have these property cards, these community chests, और जिस तरह ludo खेलते होते हैं ना, literally के ludo पे जब आपके बारियां आती हैं, you're like 1 2 3 4. So when you actually land on a property, ये दिखाओ. When you land on a property, you can either buy it, ये वाले जो भी पैसे लिखे होते हैं इतना दे के, you get the card, जैसे ये वाला Virginia Avenue का card है, you get it, right? You can keep purchasing properties, और जब दूसरे लोग आपकी properties पे आएंगे, you're going to have to pay rent to the person जो वो own करता होगा property को. And the person who gets bankrupt first, that person wins. No. The person who gets bankrupt सबसे पहले, they lose. English आना खत्म हो गई है. They lose. The richest person in the end wins. ठीक है, that's the easiest way I can explain it. बाकी बहुत tutorials हैं यार, you can actually see them. Now it's time for the money. चलो. यहाँ पे ये लोग game खेल रहे हैं. I felt a little left out. क्या होता है ये बताओ, गेम एंजॉय कर रही हो? इट्स अ न्यू गेम ना, काफी डिफरेंट है ना, मजे की है. गेम आउटसाइड एंड आमना इज सो एक्साइटेड अबाउट मनी, शी इज लाइक सो मेनी मनी. She has the most properties अभी तक हम सब में से. Literally इतनी माइंड बॉगल हो चुकी है उसको, याद ही नहीं किसकी टर्न है किसकी नहीं. What do you want? कहाँ पे? 100 रुपए के घर है यहाँ. Okay, done. I will keep the 200 and then I will give her the houses. का houses, ये रहे houses. Let's take out the houses and give them to her. ये ले लो ना, दो घर ये लो. वैसे एक बार बताओ. Yes. एक्चुअली जाके 9:30 बजने वाले हैं, दैट्स वेन वी आर थिंकिंग ऑफ एंडिंग द गेम राइट नाउ. अभी तक गेम एंड हुई नहीं है, बट अब जितने हमारे पास एसेट्स और पैसे हैं उस पे वी आर गोइंग टू एंड द गेम. दिस इज द बर्थडे गर्ल राइट हियर, इट्स हर बर्थडे. किसकी बर्थडे आज? और कितने ईयर्स की हो गई आप आज? 9 years old. हमारी प्यारी सी बेबी इज 9 years old टुडे. टू कट द केक सिंस सो लॉन्ग, बट बाबा इज अ स्लीप and he doesn't want to come
टू कट द केक. इज लाइक मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो. हाँ, ही सिंग मुझे टच नहीं करो. सो वी आर गोइंग टू गो एंड कट द केक विदाउट हिम. सही है, कोई नहीं, विल गो कट द केक विदाउट हिम. लेट्स गो. फिर क्यों होया अगर वो सोंदे पए ने? असी काफ़ी हाँ है कि नहीं? असी काफ़ी हाँ ना, है ना? वैसे भी ज़्यादा मज़ा आएगा विद द चिल्ड्रन, यू नो. दादी को बुलाती हूँ मैं भी, शी इज प्रेइंग आउटसाइड. फिर हम केक काटते हैं, ठीक है? डन. सो नाउ आयशा अभी इज सेटिंग द कैंडल फॉर आमना बेबी. यस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कटिंग द केक. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आमना, हैप्पी बर्थडे टू यू. होल्ड इट, hold it. May you have many more, may you have many more, may you have many many more, my dear baby. Okay, so now it's time for Amna's gifts. Aisha, aap le aaye apna gift up. Now got a lot of her gifts right here from both of her aafis. And are you happy? Chalo, I'm glad that you're happy. So guess what? The dinner is now over. Hello, seri time. So I have dum keema and whole wheat naan in seri today. This is the whole wheat naan right here. Chotu sai and with the meethi lassi. Alright, so now it's time for me to just take my sari and enjoy this. And now I'll catch you guys in the morning. Bye-bye. Okay, first, अभी मैं आप लोगों के comments पढ़ रही थी because इस time पे बैठ के मैं सारे comments पढ़ती हूँ. And my comments were full of, who's Amna? Where's her mother? Where's your mother? Where's your father? Oh my God, why don't you guys live together? पहली बात तो ये कि मैंने इन सारे सवालों का जवाब दे दिया हुआ है मेरे पिछले व्लॉग्स में. इफ़ यू डोंट नो विच व्लॉग दैट इज़, आई चैलेंज यू, गो फाइंड इट आउट, हैव फन, ट्राई टू फिगर इट आउट, बिकॉज आई वोंट बी रिपीटिंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन. इट्स प्रीटी सिंपल. मतलब एक चीज़ तो वैसे ही बहुत ऑब्वियस है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती और आपको मेरे इर्द गिर्द वो नहीं नज़र आते तो वो भी मेरे साथ नहीं रहते, क्लियरली, ऑब्वियसली. और अगर हम साथ नहीं रहते तो उसके भी कुछ अपने रीजंस होंगे फॉर श्योर, है ना? सो इट्स जस्ट अ सिंपल लाइफ दैट आई एम लीडिंग. अपनी अपनी चीज़ें, इट्स नॉट अ कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस गोइंग ऑन कि यहाँ पे बहुत ही कोई ड्रामा आने वाला है देर या देर सडनली जस्ट समथिंग वेरी वेरी ओ माई गॉड दैट्स गोइंग टू हैपन. नहीं, इट्स लाइफ, आई एम लिविंग इट, ऑल माई सिबलिंग्स आर लिविंग इट, वी ऑल आर लिविंग इट. इट्स अ बेसिक लाइफ, सिंपल एज दैट. और फिर एकदम से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आप अपनी दादी को मम्मा क्यों बोलती हो, आप अपने ताया को फादर क्यों बोलती हो. मतलब योर फादर इज़ योर फादर, ही इज़ अलाइव, ही इज़ राइट हियर, एंड वेयर इज़ योर मदर? सडनली, यू नो,
ये भी क्वेश्चन आ जाता है. सो सी द बेसिक थिंग इज़ कि पेरेंट्स की डिस्क्रिप्शन क्या होती है. दे आर योर केयर गिवर्स. इट डजेंट रियली मैटर इफ दे आर बायोलॉजिकल और नॉट. दे आर योर केयर गिवर्स एंड योर अपब्रिंगर्स. यानी कि वो आपकी जो भी ग्रोथ है, जो भी आपकी तहजीब है, आपकी तरबियत है, वो आपको वो सिखाते हैं. सो दैट इज़ द वर्डली डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पेरेंट. अ बायोलॉजिकल पेरेंट मीन्स कि हाँ ठीक है, आप उन्हीं के ऑफस्प्रिंग हो. बट एनी टाइम दैट आई हैव एवर कॉल्ड डॉक्टर माई फादर, दैट टेल्स यू दैट ही हैज़ डन ऑल दोज थिंग्स दैट अ फादर वुड हैव डन फॉर मी, लाइक ऑल द स्मॉल थिंग्स, ऑल द बिग थिंग्स, विच इज़ वाई आई कॉल हिम माई फादर. And if I call Dadi Jaan my mother, that's because she's done everything for me that I have ever, ever seen a mother doing for some child. So she is my mother. So kabhi bhi agar maine kabhi kisi ko father ya mother ki wo jagah di hai, it means something to me. And you should also be able to understand it ke, oh, theek hai, this is the kind of family dynamic that she lives in. And yeah, it's pretty simple. I know बहुत सारे लोगों को समझने में बहुत मुश्किल होती है. That's because you guys are used to your own family dynamic. के एक father हैं, एक mother हैं, बहुत सारे siblings हैं, oh my god, दादी दादा हैं, happy family, yay. I get it. सबकी family ऐसी नहीं होती. कुछ लोगों की families मेरी जैसी भी होती हैं, जैसे एक ताया हैं, एक दादी हैं, एक बहन है, एक मैं हूँ. जो मेरी अम्मी है वो मेरे साथ नहीं रहती हैं, जो मेरे बाबा और मेरी छोटी बहन है वो भी अलग रहते हैं. सो such family dynamics also exist. Let's just get used to them. Now I can say that this is it for right now. I'll catch you guys in the morning. Okay, bye. Hello. So it's a repeating outfit today, but with different lowers. This time the lowers are white. So aaj ka ye scene hai ki mere ghar mein hi iftari ho rahi hai friends ki. So I was just about to get ready, lekin mere baal jo hain they look really bad right now. मैंने कहा इनको कुछ करते हैं, let's just fix them a little bit and make them look better. शक्ल पे मैंने थोड़ी सी कुछ करने की कोशिश की है, didn't really work out, but anyway. आज उठते सारी मैंने पहली चीज़ ये की कि I took a shower and then I started reciting the Quran Sharif. I had a lot of time to just focus on this today and then I'll tell you what I did. So I will be doing this right now. इसकी हम लोग जल्दी से एक बोतल बनाते हैं अभी. So that this is also ready. फिर उसके बाद बीच बीच में कुछ छोटे मोटे इफ्तार के काम थे, लाइक जस्ट मेकिंग द जूस एंड कटिंग द वाटर मेलन. और उसके बाद मैं इधर आई हूँ टू जस्ट फिक्स माई हेयर, क्योंकि बाकी सब तो सही था, बाकी सब तो सही था, लेकिन मेरे बाल बिल्कुल ही हुए हैं. सो आई नीड टू फिक्स टाइम टू फिक्स माई हेयर. इफ्तार से पहले आई जस्ट हैव अ लिटिल वाइल जस्ट मैं हैव टू गो एंड गेट सम पेमेंट्स क्लियर्ड एंड सम स्टफ डन. तो मैं लिटरली भाग के उसके लिए जा रही हूँ सबसे पहले. द अदर थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटर, but this is a bit more important right now, so going for that. Look at the setting that Aisha has done, it looks beautiful. Look at all of this right now. Kya ho gaya, kya ho gaya, ungli toot gayi. Billi ne mara hai. Ye Aisha ki iftari hai aaj, jisme sara kaam Aisha ne kiya hai. ये बैठ के इसने ये चीजें बनाई हैं, मैडम ने जलेबियां भी खुद बनाई हैं, ये समोसे भी है ना, है ना, सारा काम खुद किया इसने. खोले खोले. सो आज फॉर श्योर ऑब्वियसली कुछ खास नहीं हुआ है मेरे व्लॉग के अंदर. आई होप कुछ फुटेजेस मिल जाए, बट दिस इज इट. ये खास है मेरे व्लॉग में अभी, ताकि कोई एक नई शक्ल तो नजर आए फॉर श्योर. अब हमारा इफ्तारी सीन जो है वो हो चुका हुआ है एंड दिस इज इट. सबको नेस्तियाँ चढ़ चुकी हैं, या सबको नेस्तियाँ चढ़ चुकी हैं. सो दिस इज इट फॉर राइट नाउ, आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन, बाय. अच्छा, सो द थिंग इज दिस के मेरा आज काफ़ी ज़्यादा एक डाउन डे चल रहा था, विच आई डोंट इवन नो कि क्यों चल रहा था. बस एक बहुत ही क्रेजी डाउन डे चल रहा था. So I have a feeling I might not be vlogging tomorrow. So if I'm not available, just know that I'm taking a break. But let's hope कि जब कल आता है तो वो इतना मज़े का आए that I automatically want to vlog. So let's see. Okay?